First of all, very good morning to all of you. In this class, I am going to start with another important topic of chapter biotechnology and its application. And the topic is biotechnological application in medicine. And in this topic, we are going to study or discuss about the formation of insulin, how genetically prepared or through the genetically engineered insulin was prepared by some biotechnological tools और कैसे tools से ये genetically engineered insulin का use करते हैं और formation करते हैं ना. सबसे पहले genetically engineered जो example है यहाँ पे और medicine के तरह use होता है, that is formation of hormone by genetically engineered insulin. Genetically engineered insulin. What is insulin? So insulin is a hormone which is used in the formation of glycogen from the glucose molecule, or glucose se glycogen mein change karne ke liye insulin hormone should be used for the storage of glucose molecule in the liver cell, or simply yahan pe conversion bhi hoga in the fat molecule in the areolar tissues. So genetically engineered insulin कैसे फॉर्म होगा यहाँ पे? जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन से पहले, फॉर्म करने से पहले इसके इंसुलिन का फंक्शन देख लेते हैं सबसे पहले, और क्या डिजीज कॉज होगा इंसुलिन ये क्या करेंगे. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंसुलिन? द फंक्शन ऑफ इंसुलिन इज कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज और स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज टू फॉर्म एक्चुअली ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल विच इज अ पॉलीमराइज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल. यहाँ पे पॉलीमराइज फॉर्म हो गया और ग्लाइकोजन इज फर्दर कन्वर्टेड इन टू द फैट एंड स्टोर इन द एरियोलर टिश्यूज, और एरियोलर टिश्यूज में ये स्टोर हो जाएंगे. तो मेन फंक्शन यहाँ पे इनका यही होता है, ग्लूकोज इंसुलिन के प्रेजेंस में कन्वर्ट होते हैं इन ग्लाइकोजन, एंड फर्दर ग्लाइकोजन इज कन्वर्टेड इन टू द फैट एंड फैट इज स्टोर्ड इन द एरियोलर टिश्यू. सो इन द एब्सेंस ऑफ इंसुलिन, इफ इंसुलिन इज एब्सेंट इन द ह्यूमन बॉडी, देन ग्लूकोज कैन नॉट बी कन्वर्टेड इन टू ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है. देन व्हाट हैपेंस? द शुगर लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीजेस, और ब्लड ग्लूकोज लेवल के इंक्रीज होने से जो यूरिन सिक्रीशन होगा, तो यूरिन में भी एक्सेस ग्लूकोज मॉलिक्यूल विल बी एक्सक्रीटेड फ्रॉम द ब्लड ग्लूकोज, क्योंकि मैक्सिमम यहाँ पे जो फिल्ट्रेशन होगा, फिल्ट्रेशन में ग्लूकोज इतने अमाउंट में ग्लूकोज को एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता है, तो इंक्रीज हो जाएगा ब्लड शुगर लेवल. And the disease known as diabetes. Diabetes disease. और इस disease को क्या बोला जाएगा? जब blood sugar level increase हो जाएगा, whether वो disease diabetes insipidus है या mellitus है, वो बाद में depend होगा, लेकिन दोनों में ही in severe case, दोनों जब severe case में आएंगे तब insulin as a treatment यहाँ पे use होगा, insulin का ही use होगा. Now in this case the blood, if the blood sugar level increases, तो क्या किया जाएगा? डायबिटीज इस केस में उस पेशेंट को होने वाले जो डिजीज है डायबिटीज बोला जाएगा. और द फिर मेलिटस और इंसिपिडस क्या है? मेलिटस इज सिंपली वैन द लीवर, एक्चुअली में क्या है कि इस मेलिटस कब बोला जाएगा? जब पेशेंट में इंसुलिन हार्मोन इज प्रेजेंट बट there is no utilization of this insulin hormone and body cannot prepare glucose, or simply liver cells cannot receive, unable to receive this insulin hormone, or liver cells is insulin hormone ko receive nahi kar payenge with the receptor or by the receptor, or fir kya hoga, ye glucose should not be converted into the glycogen molecule, nahi kiya ja sakta hai is glucose molecule ko glycogen mein convert. Now fir iske baad kya hoga ki jo liver cells hai, liver cells are not able to convert glucose molecule into the glycogen, so is case mein the patient or disease is known as diabetes mellitus, because the insulin level is already present, but anyhow
हाउ लिवर सेल्स आर अनेबल टू रिसीव दिस इंसुलिन हार्मोन और दीज आर अनेबल टू कन्वर्ट ग्लूकोज कन्वर्टेड इन टू द ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल देन द ब्लड शुगर लेवल इंक्रीजेज और इफ ब्लड शुगर लेवल इंक्रीजेज एंड देन डिजीज कॉज इन द ह्यूमन बींग एंड द डिजीज इज नोन बाय द disease is known as diabetes mellitus and इस केस में क्या होगा डायबिटीज मेलिटस क्यों है इस केस में क्योंकि जब इंसुलिन हार्मोन बनेगा ही नहीं तो केस क्या हो जाएगा डायबिटी सॉरी इंसुलिन हार्मोन बन रहा है लेकिन लीवर कैसे है फैटी लीवर लीवर सेल ये डायबिटीज मेलिटस कब कॉज होगा when the liver become fatty and the cell unable to receive this insulin hormone. जब insulin hormone नहीं receive कर पाएंगे तो इससे related जो एक cascade of reaction होता है जो cell के अंदर होगा उस case में जो insulin hormone है insulin hormone glucose को convert करते हैं in glycogen then cascade of reaction convert नहीं होंगे और पूरा जो DNA से RNA का transcription होता है क्योंकि already हमने class 11 में discuss किया है कि कैसे एक cascade of reaction in the presence of insulin hormone or any hormone ये occur in the cell inside the cell so this is liver cell What happen in the presence of insulin hormone? Insulin hormone received by the receptor and then and a cascade of reaction initiated inside the cell. So यहाँ पे cascade of reaction होगा then एक second messenger cyclic AMP के through ये second messenger के through inside the nucleus ये एक्टिवेशन होगा और डिफरेंट काइनेज ए से इनएक्टिवेट काइनेज ए से एक्टिव काइनेज ए का फॉर्मेशन होगा देन फिर यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का फॉर्मेशन होगा जिसकी वजह से एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन देन ट्रांसलेशन के बाद प्रोटीन सिंथेसिस होगी और प्रोटीन वो मॉडिफिकेशन में और फाइनली एंजाइम का फॉर्मेशन ये हो जाएगा ये एंजाइम क्या है एक्चुअली में यही एंजाइम कन्वर्ट करेंगे ग्लूकोज को दे कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू द ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल सो इंसुलिन ये क्या करते हैं इस पर्टिकुलर इस एंजाइम के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है जो कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज इंटू ग्लाइकोजन सो इफ अगर फैटी लीवर हो जाता है दैट मीन्स कि हम अगर बहुत ज़्यादा हम बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट अपनी डेली रूटीन में ले रहे हैं तब क्या होगा ग्लूकोज इंसुलिन के हेल्प से ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाएगा इन ग्लाइकोजन और ग्लाइकोजन फर्दर कन्वर्टेड इनटू द फैट और स्टोर इन द एरियोलर टिश्यू तो सो दैट द जितने भी बॉडी के बॉडी के मेजर ऑर्गन होंगे दे बिकम फैटी सो द सेल्स ऑफ फैटी लीवर आर अनेबल टू रिसीव इंसुलिन हार्मोन और इस केस में क्या होगा कि एक बार फैटी होने के बाद दे कांट रिसीव इंसुलिन हार्मोन और फर्दर ये एंजाइम नहीं सिंथेसाइज हो पाएगा और ये एंजाइम नहीं बनने की वजह से क्या होगा ग्लूकोज इज नॉट कन्वर्टेड इन टू द ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल और इस केस में इन दिस केस ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीजेज एंड द डिजीज इफ द ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीजेज सर्टेन कॉम्प्लिकेशन ऑल्सो इंक्रीजेज इन अवर बॉडी दैट इज शुगर लेवल सिक्रीशन बाय द यूरिन और सिंपली ब्लड ग्लूकोज लेवल के इंक्रीज होने से द क्लॉटिंग फैक्टर प्रॉपर वे में काम नहीं करेंगे और यहाँ पे जो डायबिटीज इस केस में क्या होगा डिजीज होगी जो डायबिटीज इज नोन बाय द डायबिटीज मेलिटस नाउ सेकेंड इज डायबिटीज इंसिपिडस व्हेन डायरेक्ट इंसुलिन हार्मोन इज एब्सेंट सो द डिजीज इज नोन एज डायबिटीज इंसिपिडस डायबिटीज इंसिपिडस के नाम से वो डिजीज जाना जाएगा और डायबिटीज इंसिपिडस में डायबिटीज इंसिपिडस ना इस केस में क्या होगा व्हेन इंसुलिन हार्मोन इज एब्सेंट इंसुलिन हार्मोन इज एक्चुअली फॉर्मेशन ऑफ इंसुलिन हार्मोन बाय बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज डन बाय द बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज इफ द बीटा सेल्स आर नॉट प्रेजेंट इन द पैनक्रियाज दिस इज जेनेटिक डिसऑर्डर्स जिसमें क्या होगा कि अगर पेरेंट में बीटा सेल्स जेनेटिकली अगर वहाँ पे बीटा सेल्स नहीं बनेंगे और बीटा सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ इंसुलिन हार्मोन देन इंसुलिन हार्मोन विल बी नॉट फॉर्म और फॉर्म नहीं होंगे यहाँ पे इंसुलिन हार्मोन देन द ग्लूकोज ग्लाइकोजन में
कन्वर्ट नहीं होगा फाइनली, और ग्लूकोज ग्लाइकोजन में नहीं कन्वर्ट होगा, तो जो ब्लड शुगर लेवल है इस केस में भी इंक्रीज हो जाएगा, एंड डिजीज नोन एज डायबिटीज, एंड बिकॉज इंसुलिन इज नॉट प्रिपेयर इन द बॉडी सो द डायबिटीज इज नोन एज इंसिपिडस, डायबिटीज इंसिपिडस। ना इस इन दोनों ही केस में एक टाइम ड्यूरेशन के बाद इंसुलिन लेना पड़ता है, क्योंकि टोटल जो फंक्शन है इंसुलिन से ही रिलेटेड है, आइदर ये फैटी लिवर हो या इंसुलिन नहीं बन रहा हो इन बीटा सेल्स, तो दोनों ही केस में आर रिस्पॉन्सिबल और कैन बी ट्रीटेड बाय द इंसुलिन हार्मोन। दोनों ही डिजीज ट्रीट किया जा सकता है इंसुलिन हार्मोन के प्रेजेंस में। और यहाँ पे इंसुलिन हार्मोन कैसे लिया जाएगा, ग्लूकोज मॉलिक्यूल को कन्वर्ट करने के लिए ग्लाइकोजन में, सो जेनेटिकली इंजीनियर इंसुलिन प्रिपेयर किया जाता है। अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं कैसे जेनेटिक इंजीनियर इंसुलिन यूज बनाया जाएगा और ऐसे यूटिलाइज किया जाएगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, और कैसे एक मेडिसिनल यूज। अब इस केस में क्या होता था, जब इस इंसुलिन को यूज किया जाता था इन डायबिटीज पेशेंट, देन दे ट्रिगर इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ दैट डायबिटीज पेशेंट, ये इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर करते थे, और सो दैट दे रिजेक्ट द बॉडी ऑफ पेशेंट रिजेक्ट दिस इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन मेडिसिन के फॉर्म में जो यूज किया जा रहा है ये फाइनली रिजेक्ट किया जाता था, रिजेक्टेड बाय द पेशेंट, और इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से ये रिजेक्शन हो जाता, तो सर्टेन इम्यून रिस्पॉन्सेज और सर्टेन एलर्जिक रिस्पॉन्स देखने को मिलते थे इन पेशेंट। नाउ इन दिस केस, अब यहाँ पे कैसे इसे ट्रीट किया गया इंसुलिन हार्मोन को, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू एक जो कैटल से ना लेना पड़े एक्सट्रैक्ट के फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे मेजर ये इंसुलिन तो खैर ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देते, दैट मीन्स कि जो ब्लड शुगर लेवल है डायबिटीज पेशेंट का वो दीज आर डिक्रीजेस बाय द इंसुलिन हार्मोन विच आर एक्युमुलेट और आइसोलेट फ्रॉम द पैनक्रियास ऑफ कैटल एंड पीग, लेकिन बट दे ट्रिगर द इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द डायबिटीज पेशेंट एंड सर्टेन एलर्जिक रिस्पॉन्स हमें देखने को मिल जाते थे। तो इससे इससे क्या होता था, एक तो डिजीज को ठीक किया जा रहा है बट अनदर डिजीज कॉज हो जा रही है, तो यहाँ पे इसे कैसे ट्रीट किया जाएगा, बाय जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के थ्रू। ना बायोटेक्नोलॉजी में ये टेक्नोलॉजी क्या है, जहाँ पे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है एक फ्रैगमेंट ह्यूमन जीनोम में से एक फ्रैगमेंट हम लेंगे, जहाँ पे उस पर्टिकुलर जो भी डिजायर्ड जीन है जिसे हमें लार्ज अमाउंट में प्रिपेयर करना है और फाइनली प्रोटीन सिंथेसिस करनी है, तो क्योंकि ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के थ्रू एमआरएनए का फॉर्मेशन होगा, ना एमआरएनए से ट्रांसलेशन प्रोसेस के थ्रू फ्रॉम ट्रांसलेशन सॉरी बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन प्रोटीन सिंथेसाइज फ्रॉम एमआरएनए से प्रोटीन सिंथेसाइज होंगे यहाँ पे। तो पूरी ये जो प्रोसेस है यही प्रोसेस जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन में किया जाता है, जो हो सकता है मे बी अगर बीटा सेल्स से अगर इंसुलिन अगर बीटा सेल्स एब्सेंट है इन पेशेंट, दैट इज कि अगर इंसुलिन हार्मोन प्रिपेयर नहीं हो पाएंगे, अगर बीटा सेल्स एब्सेंट है तो इंसुलिन हार्मोन प्रिपेयर नहीं हो पाएंगे, या तो जो जीन्स इंसुलिन हार्मोन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और जो प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि इंसुलिन हार्मोन भी क्या है, एक टाइप इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन सिंथेसिस का सिर्फ एक यही मेथड है ट्रांसक्रिप्शन, दैन जीन्स आर प्रेजेंट ऑन डीएनए और डीएनए आर रिस्पॉन्सिबल और जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ स्पेसिफिक काइंड ऑफ प्रोटीन एंजाइम और डिफरेंट थिंग। ना यहाँ पे डीएनए पे जितने भी सेगमेंट जितने भी जीन्स प्रेजेंट हैं वो सभी डिफरेंट एंजाइम्स के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ना इन दिस केस इंसुलिन फ्रॉम विच जीन इंसुलिन आर प्रिपेयर, जीन आइसोलेटेड फ्रॉम दिस सेगमेंट, और पहले ये देखेंगे कि कौन सा सेगमेंट और कौन से जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इंसुलिन हार्मोन, यहाँ पे उस जीन को आइसोलेट कर लिया जाएगा, आइसोलेट करने के बाद ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन और प्रोसेस के बाद प्रोटीन की सिंथेसिस कर ली जाएगी, जो प्रोटीन है इंसुलिन हार्मोन, एक्चुअली में यही प्रोटीन है इंसुलिन हार्मोन। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर बॉडी में यही सेगमेंट नहीं है, दैट मीन्स कि इन हाउ किसी भी वे में
किसी भी कंडीशन में ये इंसुलिन हार्मोन प्रिपेयर नहीं हो पा रहे हैं, तब क्या होगा? इस इंसुलिन हार्मोन अगर प्रिपेयर नहीं हो पा रहे, दैट मीन्स कि पेशेंट में हो सकता है कि कोई भी एबनॉर्मिलिटी आ जाए जिसकी वजह से इंसुलिन हार्मोन प्रिपेयर नहीं हो पा रहे, मे बी बीटा सेल्स नहीं हो और तो इंसुलिन हार्मोन नहीं बन पाएंगे। लेकिन हम ऐसे ह्यूमन के जीनोम को आइसोलेट करके उसके नंबर ऑफ कॉपीज को इंक्रीज कर सकते हैं। सो क्लोनिंग के थ्रू नंबर ऑफ कॉपी इंक्रीज कर लेंगे तो हमें नंबर ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज मिल जाएंगे। मतलब कि अगर पेशेंट में इंसुलिन हार्मोन नहीं सिंथेसाइज हो पा रहा है तो सो दैट दीज इंसुलिन हार्मोन कैन बी प्रिपेयर इन द इन विट्रो कंडीशन में प्रिपेयर करके इसे अगर इंजेक्ट कर दिया जाए उस पेशेंट में, तो पर्टिकुलर वो पेशेंट उस पेशेंट में भी इंसुलिन हार्मोन दिया जा सकता है ना। इस केस में क्या होगा, जो पर्टिकुलर ये प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस में और बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस में क्या होगा, डिजायर्ड जीन को आइसोलेट किया जाएगा। दैट मीन्स डिजायर्ड जीन हमारा क्या है, जीन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ और प्रिपरेशन ऑफ दिस इंसुलिन हार्मोन। सो फॉर एग्जाम्पल इतने सेगमेंट को आइसोलेट किया जाएगा और here another cloning vector should be used, plasmid of E. coli or another plasmid. यहाँ पे E. plasmid को restriction enzyme से treat किया जाएगा, EcoR-first restriction enzyme, with the help of EcoR-first restriction enzyme कट डिजायर्ड डीएनए, और ये वहीं पे कट करेंगे जहाँ पे एक्चुअली में इनके रिस्ट्रिक्शन साइट एक ही होते हैं। तो चाहे ह्यूमन जीनोम हो या प्लाज्मिड, दोनों को एक ही सेगमेंट पे कट करेंगे, दैट इज जी और ए के बीच में, इन बिटवीन जी और ए, गुआनोसिन और एडिनिन के बीच में इन कट करेंगे ना। कट करने के बाद आइसोलेशन हो जाएगा, आइसोलेशन के बाद देन लाइगेशन ऑफ डिजायर्ड जीन का लाइगेशन होगा। देन इसके बाद क्या होगा, डिजायर्ड जीन के जो है यहाँ पे लाइगेशन के बाद अब इसे इंजेक्ट कर दिया जाएगा, इकोलाई और ई कोलाई में इंजेक्ट कर दिया जाएगा। अब क्योंकि हमें पता है कि दे कैन रिप्लीकेट देयर डीएनए और मल्टीप्लाई विद इन 20 मिनट्स, ये 20 मिनट्स में मल्टीप्लाई कर सकते हैं और रिप्लीकेट कर सकते हैं अपने जीनोम को। तो सो द नंबर ऑफ, ये जितने बार रिप्लीकेट करेंगे उतनी कॉपीज हमें इस डिजायर्ड जीन की हमें मिल जाएगी, जो हमने इस पर्टिकुलर सेगमेंट पे लाइगेशन के थ्रू लाइगेट किया है। सो क्या हुआ कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये पर्टिकुलर सेगमेंट हमने लाइगेट किया है, तो जितने बार भी यहाँ पे रिप्लिकेशन प्रोसेस और मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस होगा द इन ई कोलाई बैक्टीरिया, और उतनी ही इन सेम अमाउंट हमें क्लोनिंग वेक्टर हमें मिल जाएंगे। दैट मीन्स कि हमें रिकॉम्बिनेंट, नॉट क्लोनिंग वेक्टर, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मिल जाएगा। डीएनए, अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए जब मिल जाएंगे तो सेम प्रोसेस के बाद सेम प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के थ्रू यहाँ से प्रोटीन सिंथेसिस कर ली जाएगी। दैट मीन्स कि यहाँ से पर्टिकुलर इंसुलिन हार्मोन सिंथेसाइज कर लिया जाएगा। लेकिन एक यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट इंसुलिन हार्मोन सिंथेसाइज कर लिया जाएगा ना। एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे थिंग है कि जो नेचुरल इंसुलिन हार्मोन है वो विल बी सिंथेसाइज इन द फॉर्म ऑफ प्रो हार्मोन। प्रो हार्मोन में सिंथेसाइज होते हैं और देर आर थ्री सेगमेंट्स, सेगमेंट ए दैट इज की पॉलीपेप्टाइड ए, पॉलीपेप्टाइड बी एंड पॉलीपेप्टाइड सी। सो इफ क्योंकि दे कैन बी और प्रोसेसिंग के थ्रू जाते हैं ये इंसुलिन हार्मोन, प्रोसेसिंग के बाद इन आवर बॉडी प्रोसेस्ड होते हैं और सी सेगमेंट कट फ्रॉम द इंसुलिन
और जो पॉलीपेप्टाइड है वहां से सी सेगमेंट कट कर दिया जाएगा एंड सेगमेंट ए एंड बी विल बी लाइगेटेड, और लाइगेट करने के बाद, दैट मीन ज्वाइन करने के बाद, वहां पे मैच्योर इंसुलिन हार्मोन सिंथेसाइज कर दिया जाएगा, दैट मीन्स कि एक्टिव इंसुलिन हार्मोन सिंथेसाइज हो जाएगा। लेकिन अब हमें क्या करना है, जब अगर हम पूरे जीन को आइसोलेट करते हैं यहाँ पे, तब क्या होगा, इस केस में ए पॉलीपेप्टाइड ए भी सिंथेसाइज होगा, पॉलीपेप्टाइड बी बी एंड पॉलीपेप्टाइड सी, ये तीनों सिंथेसाइज होंगे फ्रॉम दिस जीन। तो इस केस में, क्योंकि बाहर इन्हें फिर से नहीं किया जा सकता है, एक बार क्योंकि लाइगेशन करने के बाद पूरे जीन सिंथेसाइज कर लिए जाएंगे, तो बाद में इसकी प्रोसेसिंग इन विट्रो नहीं की जा सकती है। तो इसलिए क्या किया गया कि पार्ट ए अलग सिंथेसाइज किया गया, पार्ट बी अलग सिंथेसाइज किया गया, और फिर इन्हें लाइगेट किया गया, और फिर इंसुलिन हार्मोन की सिंथेसिस की गई। इन 1983 अमेरिकन कंपनी जो रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन की सिंथेसिस करते हैं, और जो जेनेटिक इंजीनियर इंसुलिन की सिंथेसिस करते हैं, दैट इज ईली लिली, इन 1983 में इसे सबसे पहले डिनोटेट किया गया था। सो क्लोनिंग के थ्रू कैसे सिंथेसाइज करा जाएगा, डिफरेंट नॉर्मली जो इंसुलिन हार्मोन है इन बॉडी, और नेचुरली दे आर सिंथेसाइज इन द फॉर्म ऑफ प्रो हार्मोन, एंड विच इज अटैच विथ ईच अदर बाय डाइसल्फाइड ब्रेज। यहाँ पे डाइसल्फाइड ब्रेज भी प्रेजेंट होंगे ना। अब यहाँ पे ए पार्ट यानी सी एंड बी पार्ट इन द फॉर्म ऑफ प्रो हार्मोन सिंथेसाइज होंगे। वह अब प्रो हार्मोन बाय प्रोसेसिंग के थ्रू इन्हें अलग अलग किया जाएगा, और ए और बी ज्वाइन कर दिया जाएगा, पॉलीपेप्टाइड ए एंड बी ज्वाइन कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पे कौन कौन से पॉलीपेप्टाइड चेन है, पॉलीपेप्टाइड बी एंड पॉलीपेप्टाइड सी सी। सो पॉलीपेप्टाइड सी रिमूव बाय द प्रोसेसिंग प्रोसेस और बाय द शॉर्टिंग प्रोसेस। तो शॉर्टिंग ऑफ प्रोटीन शॉर्टिंग के थ्रू इन्हें पॉलीपेप्टाइड सी को आइसोलेट कर दिया जाएगा, अलग कर दिया जाएगा, देन पॉलीपेप्टाइड ए एंड बी जॉइन बाय द डाइसल्फाइड ब्रेज इन आवर बॉडी नेचुरली। बट इन द केस ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, द सेपरेट प्रिपरेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड ए एंड पॉलीपेप्टाइड बी शुड बी डन इन विट्रो कंडीशन, और देन फाइनली ए एंड बी एडेड बाय द डाइसल्फाइड ब्रेज, और ए और बी डाइसल्फाइड ब्रेज के थ्रू ये जोड़ दिए जाएंगे, विच फंक्शन एज प्रोटीन मैच्योर इंसुलिन हार्मोन शुड बी प्रिपेयर्ड इन द फॉर्म ऑफ इन मैच। सबसे पहले फॉर्म किए जाएंगे, तो सी पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन नहीं किया जाता है इन विट्रो कंडीशन, बट इन वीवो कंडीशन सी पॉलीपेप्टाइड विल बी ऑल्सो प्रिपेयर्ड इन द बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियास। अब वहाँ पे बीटा सेल्स में जो गॉल्जी शॉर्टिंग हो प्रोटीन शॉर्टिंग होगी, गॉल्जी बॉडी में जो प्रेजेंट होंगे, तो यहाँ पे प्रोटीन शॉर्टिंग के थ्रू ये पॉलीपेप्टाइड चैन अलग कर दिए जाएंगे, आइसोलेट कर दिया जाएगा, इसको अलग कर दिया जाएगा, डीजनरेट, देन डीजनरेशन होगा और पॉलीपेप्टाइड ए एंड बी एंड द फर्स्ट कंपनी विच प्रिपेयर इंसुलिन हार्मोन ए इज इन 1983 इज इली लिली इज ए अमेरिकन कंपनी। जिसने पहली बार इंसुलिन हार्मोन जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू प्रिपेयर किया था। नाउ नेक्स्ट इज जीन थेरेपी।
जीन थेरेपी इज डन इन दोज पेशेंट विच हैव स्पेसिफिक एंजाइम और सब्सटेंस और प्रोटीन डिसऑर्डर्स इन विच द पेशेंट कैन नॉट बी एबल टू प्रिपेयर अ स्पेसिफिक एंजाइम इन आवर बॉडी. सो इन दिस केस जीन थेरेपी कुड बी डन इन दीज पेशेंट फॉर ट्रीटिंग द स्पेसिफिक डिजीज और सर्टेन डिजीज. नाउ इन दिस केस ए पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम ए डिजीज, फॉर एग्जाम्पल एडीनोसिन डी एमिनेस, डिफिशियंसी ऑफ एडीनोसिन डी एमिनेस ADA. एग्जाम्पल इज ADA, दैट इज एडीनोसिन डी एमिनेस. एडीनोसिन डी एमिनेस इन दिस केस एडीनोसिन डी एमिनेस प्रेजेंट इन द लिम्फोसाइट एंड ट्रिगर द इम्यून रिस्पॉन्स और ऑल्सो सपोर्ट द इम्यून रिस्पॉन्स इन द पेशेंट. नाउ इन दिस केस इफ अ पेशेंट डील विद दिस एडीनोस डिफिशियंसी ऑफ एडीनोसिन डी एमिनेस, सो द पेशेंट कैन नॉट बी एबल टू फाइट विद सर्टेन डिजीजेज और लिम्फोसाइट यहाँ पे प्रॉपर वे में फंक्शन नहीं कर पाएंगे. दीज आर ट्रीटेड बाय द जीन थेरेपी. इन दिस केस इफ ए सर्टेन फॉर एग्जाम्पल इफ दिस एक्चुअली एडीनोसिन डी एमिनेज इज ए एंजाइम विच इज सिंथेसाइज बाय द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द DNA और जीन. और यहाँ पे क्या होगा, इन दिस केस इफ एडीनोसिन डी एमिनेज इज नॉट सिंथेसाइज इन द पेशेंट देन द डिफिशियंसी ऑफ डी एडीनोसिन डी एमिनेस अकर्स. और इस केस में क्या होगा, पर्टिकुलर उस पेशेंट में हो सकता है, मे बी जो कॉज हो सकता है कि पर्टिकुलर वो जीन जो रिस्पॉन्सिबल है विच इज रिस्पॉन्सिबल इन द सिंथेसिस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द एडीनोसिन डी एमिनेस एंजाइम इज डिलीटेड बाय द दोज पोर्शन और ए स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ DNA. सो इस केस में क्या होगा कि जो DNA है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे DNA और ये पर्टिकुलर ए पार्ट और जीन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ एडीनोसिन डी एमिनेज एंजाइम. नाउ इफ दिस पर्टिकुलर सेगमेंट इज डिलीटेड फ्रॉम द जीनोम, सो इन दिस केस एडीनोसिन डी एमिनेज विल बी नॉट प्रिपेयर्ड इन द बॉडी इन द पेशेंट और इन पर्सन बॉडी. सो इस केस में क्या होगा कि जीन थेरेपी के थ्रू ये ट्रीट किया जाता है इन द एम्ब्रियोनिक कंडीशन और इन चाइल्ड कंडीशन. तो दोनों ही केस में जीन थेरेपी की जा सकती है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक एम्ब्रियोनिक और चाइल्ड दोनों कंडीशन में ये ट्रीट किया जा सकता है. अब एक्चुअली में करा क्या जाएगा जीन थेरेपी में, एक स्मॉल जो पोर्शन है सबसे पहले अगर इसे इन चाइल्ड कैसे ट्रीट किया जा सकता है, चाइल्ड में लिम्फोसाइट को आइसोलेट किया जाएगा और आइसोलेशन लिम्फोसाइट को देन आइसोलेटेड लिम्फोसाइट में पर्टिकुलर ये जीन फ्यूज कर दिया जाएगा यहाँ पे उसके जीन में, जो क्योंकि न्यूक्लियस है न्यूक्लियस के अंदर जीन्स भी प्रेजेंट होंगे क्योंकि एडीनोसिन डी एमिनेज के जीन्स एब्सेंट है. सो इस चाइल्ड के लिम्फोसाइट में जो जीन है रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडीनोसिन फॉर्मेशन ऑफ एडीनोसिन डी एमिनेज एंजाइम लाइगेट कर दिया जाएगा और ज्वाइन कर दिया जाएगा. इस केस में क्या होगा, लिम्फोसाइट आर lymphocytes of this child are able to prepare adenosine ADA enzyme. ADA enzyme prepare हो जाएगा इस child होने लग जाएंगे इस child में. और फिर particular क्योंकि in vitro ये process की जा रही है through injection भी हो सकता है कि इस patient में particular उस एंजाइम को दे दिया जाए, लेकिन परमानेंट क्योर नहीं होता है यहाँ पे जो भी. और इसके और क्या कॉज हो सकते हैं और ट्रीटमेंट क्या हो सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पे जो एडीनोसिन डी एमिनेज है ये यहाँ पे ये एब्सेंट है, डिलीट हो गया हो सेगमेंट से डिलीशन के थ्रू और डिलीशन के बाद यहाँ पे ये प्रिपेयर ADA नहीं बन पा रहे हैं.
एडीए नहीं बन पाएंगे, नहीं बन पा रहे हैं। तो इन दिस केस अब क्या होगा, जो पेशेंट है या पर्सन है, पर्सन सेल आइसोलेट किया जाएगा। वो कौन सी सेल होगी, लिम्फोसाइट सेल। सो लिम्फोसाइट सेल आइसोलेटेड फ्रॉम द इन्फेक्ट और पेशेंट। पर्सन आइसोलेट कर लिया जाएगा। एंड आफ्टर आइसोलेशन इंट्रोडक्शन ऑफ आफ्टर आइसोलेशन इंट्रोडक्शन ऑफ स्पेसिफिक इंट्रोडक्शन ऑफ जीन विच इज फॉर द सिंथेसिस ऑफ एडीए। अब क्या होगा, फिर देन दीज लिम्फोसाइट आर ट्रांसमिट लिम्फोसाइट इन द पर्सन पर्सन्स बॉडी। और पर्सन्स बॉडी में इसे ट्रांसमिट कर दिया जाएगा। और पर्टिकुलर पर्सन्स बॉडी में ट्रांसमिट करने के बाद अब वो लिम्फोसाइट, दीज लिम्फोसाइट्स आर एबल टू परफॉर्म एडीए एडिनोसिन डी एमिनेज एंजाइम इन द पेशेंट बॉडी। और पेशेंट बॉडी में इसे प्रिपरेशन कर लिया जाएगा। नाउ इफ दिस कैन बी आल्सो ट्रीटेड बाय द बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन एंड इंजेक्शन ऑफ एडीनोसिन डी एमिनेज। एडीए ट्रीटेड फ्रॉम बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन एंड बाय द इंजेक्शन। इंजेक्शन के थ्रू भी ट्रीट किया जाता है, लेकिन यहाँ पे ये दोनों ही परमानेंट क्योर नहीं है। परमानेंट क्योर सिर्फ ये है कि अगर एम्ब्रियोनिक कंडीशन में या चाइल्ड कंडीशन में ही जीन थेरेपी कर दी जाए, जिसमें इंट्रोडक्शन हो पर्टिकुलर जीन का जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द सिंथेसिस ऑफ वो स्पेसिफिक प्रोटीन एंजाइम और हार्मोन के लिए। तो अगर उसे ही इंट्रोड्यूस, जीन को ही इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा, तो पर्टिकुलर उस बॉडी में उस पर्टिकुलर हार्मोन एंजाइम और प्रोटीन की सिंथेसिस बॉडी में ही होने लग जाएगी, जिसकी वजह से बाहर से कोई भी एंजाइम नहीं लेना पड़ेगा या कोई भी बोन मैरो ट्रांसप्लांट नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये टॉपिक